हेलो लालू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों के बढ़ने के साथ ही साथ हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। स्किन का पूरा ख्याल रखने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में उन टिप्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बढ़ती गर्मी की वजह से बढ़ता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो ऑफकोर्स हमारे स्किन का पसीना और ये सब निकलना बहुत ही आम बात है। इसकी वजह से एक्सेसिव ऑयल ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस होता है। हमारे जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑयलीनेस दिखने लग जाती है, बहुत स्किन ग्रीसी दिखने लग जाता है और इसकी वजह से जो हमारे स्किन का पोर है वो क्लोज जाता है और ये हमें प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे एक्ने, पिंपल्स और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब पहला जो टिप है वो ये है कि आपको 2 से 3 बार अपने फेस को वॉश करना है। आप कोशिश करें कि गर्मी में कम से कम 2 बार और ऑयली स्किन के लिए कम से कम 3 से 4 बार फेस वॉश जरूर करें। उसके बाद हो ही रही है तो ये चीज हमेशा याद रखें कि हमेशा फेस वॉश वही यूज करें जो आपके स्किन को सूट करता हो और आपके स्किन के टाइप का हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसमें डिटेल वीडियो आपके पास सामने जरूर लेके आऊंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए और कौन सा सीरम और क्या चीज आप ख्याल रख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। स्किन केयर रूटीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हमेशा जेल टेक्सचर हो वो क्रीम या सीरम ऑप्ट करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड जिसका सीरम हो, जिसका सीरम का जो बेस है वो वाटर बेस हो या तो क्रीम जो है वाटर बेस का होना चाहिए। तो ये 2 चीज का आपको ख्याल रखना है। स्किन केयर रूटीन आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जब जब आप फेस वॉश कर रहे हैं तब तक आप उस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए और ये चीज का खास ख्याल रखिए, अगर ड्राई है तो जेल और अगर ऑयली है तो वाटर। अगर आपके फेस पे गर्मी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रहा है, स्किन टैन हो रही है या फिर पिंपल्स हो रहे हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। विटामिन सी जिसके अंदर भी होता है पी सकते हैं, लेमन जूस ये सब चीजें आप ले सकते हैं, पी सकते हैं और ऐसी चीजें जिसके अंदर विटामिन सी हो वो चीज आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यूवी रेज से होने वाले पिगमेंटेशन को या किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से दूर कर देता है, तो एंटीऑक्सीडेंट मास्क जरूर लगाएं। स्किन हाइड्रेट, आपको अपने स्किन को हाइड्रेट रखना है। जैसे गर्मी में आपके बॉडी को पानी की जरूरत होती है वैसे ही आपके स्किन को भी हाइड्रेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फेस वॉश के 2 से 3 मिनट बाद अपने फेस पे आप जिस तरीके से मैंने आपको क्रीम बताया है जो भी बताया उस चीज को लगा लीजिए। इसको जब आप सोते हैं तो स्किन में बहुत सारी चीजें बहुत रीजनरेट होती हैं, तो इससे आपको क्या करना है कि जब भी आप रात में सोने जाएं आप खास ख्याल रखें स्किन में रात को सोने से पहले। तो सोने से पहले हमेशा फेस वॉश करें, डेली स्किन केयर रूटीन करें, एंटीऑक्सीडेंट मास्क लगाएं, जितना ख्याल रख सकते हैं अगर आप रात में करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रब यूज करना है, आप स्क्रब घर में होममेड स्क्रब भी यूज कर सकते हैं, आप बाजार से भी स्क्रब यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज लेने से पहले हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स का खास ख्याल रखें कि उसमें क्या है क्या नहीं, वो चीज आपकी स्किन के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, वो आपकी स्किन के टाइप की है या नहीं है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। और गर्मियों में अपने स्किन को स्क्रब करना है, मतलब है आप 3 दिन में कम से कम 1 बार स्क्रब कीजिए, अंडर आर्म में, फेस पे, हर जगह आपको स्क्रब करना है। जरूरी है स्क्रब आपकी स्किन के लिए गर्मियों में। जब भी आप बाहर जा रहे हैं हमेशा सनस्क्रीन लगा करके जाएं। बोरा बांध देते हैं, स्कार्फ बांध देते हैं तो हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यूवी रेज हमारे स्किन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, यूवी रेज अगर हम एक बड़े से घर में दीवार के पीछे भी हैं तब भी यूवी रेज घर में आती है, तो उस पतले से कपड़े से ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो यूवी रेज से बच जाएगी। अगर मैं अब घर में बैठी हूं तो यहां पर भी यूवी रेज आ रही है, तो यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज जरूर करें। SPF 30-50 होना चाहिए, उसी सनस्क्रीन का यूज करें आप। अवॉइड हैवी मेकअप। ऑलरेडी हीट एंड ह्यूमिडिटी आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा हावी हो रही होती है, उस दौरान अगर बहुत ज्यादा मेकअप आप करते हैं तो वो चीज भी आपके स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। सीरम, लाइट सा मॉइस्चराइजर और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लाइट सा सनस्क्रीन, बस इतने का ही इस्तेमाल करें। आप फेस वॉश के बाद हमेशा टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो पसीना है बहुत ज्यादा आ रहा है तो टोनर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है, तो आप बाहर से भी टोनर ले सकते हैं और आप घर में भी टोनर बना सकते हैं। आप कुकुम्बर का भी टोनर लगा सकते हैं, ये चीज आपके स्किन के बहुत ज्यादा हाइड्रेट भी रखता है और स्वेट और ऑयल से भी दूर रखता है और प्रिवेंट करता है। मॉइस्चराइज वेल, मॉइस्चराइजर में आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं, आप सीरम का यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए जेल बेस्ड और ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड का होना चाहिए और मॉइस्चराइजर भी आपको लगाना है लाइट में, लेकिन ऐसी मॉइस्चराइजर का यूज करें जिसके अंदर विटामिन ए या विटामिन सी हो। डोंट फॉरगेट योर आईज, लिप्स एंड फिट, ये 3 चीज आपको भूलना नहीं है। फेस के साथ ही साथ आपको
आईज का, अपने लिप्स का और फीट का ख्याल। आप बाहर जा रहे हैं, सैंडल पहन के जा रहे हैं, तो अपने पैरों में भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं। लिप्स को हमेशा 3 से 4 दिन में स्क्रब जरूर करें और आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सनग्लास जरूर पहने। तो थी आपकी इसकी स्किन की बात। ऑफ सीजनल फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए खाना, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ऑफ कीजिए और सीजनल फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, पानी पीजिए, आपके बॉडी को अंदर से पूरा हाइड्रेट रखिए ताकि आपकी जो स्किन है वो अंदर के साथ बाहर भी चमके। फ्री अवे फ्रॉम शुगरी ड्रिंक, यानी कि आपको कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई ड्रिंक नहीं लेंगे जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा शुगर होता है। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक है, कोक है, बहुत ज्यादा जैसे गर्मी आई तो बस ये लेकर आ जाओ, आइसक्रीम लेकर आ जाओ, चलो ये लेकर आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सारी चीजें आपके स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए, स्किन के साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो आप ओकेजनली अगर कोई चीज ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं ओकेजनली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कभी कभी के लिए, लेकिन आप अगर रेगुलर बेस पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। वेयर ब्रीथेबल फैब्रिक, आपको वही कपड़े पहने हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी सांस ले सके, उसमें आते हैं कॉटन कपड़े। आप सिंथेटिक या बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि आपको नहीं पहनना चाहिए गर्मियों में, तो वैसे कपड़े ना पहने। आप जितना कॉटन कपड़े पहनेंगे आपकी स्किन उतनी ज्यादा ब्रीथ कर पाएगी और आप उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो कपड़े वही पहने जिसके अंदर आपकी स्किन कंफर्टेबल है और आप कंफर्टेबल है। तो हमेशा मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप कॉटन कपड़े ही पहनिए, और सजेस्ट भी करूंगी कि आप कॉटन कपड़े पहनिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा कॉटन कपड़े ही पहनूं। अगर कोई ऐसा ओकेजन है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप जो भी आपका फैशन है उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप 100% कॉटन कपड़े पहन रहे हैं। मैं खुद घर में हूँ या बाहर हूँ, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं कॉटन कपड़े ही पहनूं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मेरे स्किन को दूसरे कपड़े सूट करते ही नहीं है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप जो फैब्रिक है वो कॉटन ऑप्ट करें, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा हैप्पी रहेगी और ब्रीथ कर पाएगी। बाथ ट्वाइस अ डे, कम से कम 2 बार आपको शावर लेना चाहिए ताकि जितनी भी बॉडी पे पसीने हैं, गंदगी है, वो सारी चीजें वॉश आउट हो सके। हाँ, पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में कई तरीके लिंक्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे हेल्थ, ब्यूटी और पेरेंटिंग टिप्स देती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।